और अब आपको बताते हैं कि रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशोव ने क्या कहा और उसका क्या मतलब है, जरा एक एक करके समझिए आप। उन्होंने कहा कि अगर रूस के अस्तित्व को चुनौती दी गई या कोई खतरा होता है तो रूस के पास एक अद्वितीय हथियार है जो किसी भी विरोधी को निस्तराबूत करने में पूरी तरह सक्षम है, और विशेष तौर पर विरोधी कौन, विशेष तौर पर अमेरिका। अभी जरा पॉइंटर आप एक एक करके देखते जाइए। जो पात्रुशेव पुतिन के जो करीबी हैं कहते हैं अगर तो रूस के पास एक ऐसा अद्वितीय हथियार है कि उस हथियार का इस्तेमाल अगर रूस करेगा तो रूस के जो दुश्मन है और खासतौर पर अमेरिका उनको खत्म हम कर सकते हैं, निस्तनाबूद करने में ये हथियार पूरी तरीके से सक्षम है, विशेष तौर पर अमेरिका, इस बात का जिक्र कर दिया। पुतिन करीबी निकोलाई पात्रुशोव ने रूस के एक डेली न्यूज़पेपर में बातें कही जो वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइन बन चुकी। आप बताते कि पात्रुशेव ने और क्या कहा, अब जरा विस्तार से समझिए। पात्रुशेव ने कहा कि रूस के पास दुनिया के यूनिक हथियार हैं, ये पात्रुशेव के बयान का पहला। दूसरा है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा होगा तो सीधा हमला किया जाएगा, कोई इसमें बख्शीश नहीं की जाएगी। रूस अपने किसी भी विरोधी को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है, न सिर्फ वैसे फैसले ले सकता है बल्कि हथियार भी रूस के पास ऐसे घातक। उन्होंने कहा कि खासतौर पर अमेरिका का अस्तित्व मिटाने के लिए हमारे पास एक यूनिक वेपन है, यानी जिसके बारे में ना पहले सुना गया ना देखा गया। उन्होंने कहा कि अब सोवियत संघ ने जो पहले गलतियां की थी, जब सोवियत संघ के अलग अलग घटक हो गए थे, उसको टूट गया था, उसने कहा कि रूस वो सोवियत संघ नहीं है, हमने उन गलतियों को सुधारा है, अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा यानी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने में रूस कहीं बेहतर अब सक्षम हो चुका है। ये पात्रुशेव की तरफ से सीधा संदेश दे दिया। तो मैं आपको बताऊं पिछले एक साल में रूस अमेरिका के संबंध कैसे खराब हुए हैं, ये आपको एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं। रूस के रिश्तों पर अमेरिका ने बयान दिया कि इस वक्त सबसे बुरे दौर में रूस और अमेरिका के रिश्ते, कोल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तनातनी आज की तारीख में हो रही है, और हालात ये कि रूस न्यूक्लियर डेटा तक साझा नहीं कर रहा। तो ये आधिकारिक बयान आने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ पुतिन के राइट हैंड माने जाने वाले पात्रुशेव सीधा अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, अमेरिका को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, साफ संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका को खत्म करने के घातक हथियार रूस के पास हैं। तो वहीं इसी मामले को लेकर अमेरिका की तरफ से भी साफ संदेश दिया गया और कहा कि कोल्ड वॉर के बाद अब तक के सबसे बुरे दौर से संबंध गुजर रहे हैं। The New START treaty, the US and Russia, as you know, are obligated to exchange comprehensive databases twice a year. We offered to continue reciprocal implementation of this obligation. Unfortunately, Russia informed the US that it will not engage in this data exchange due to its purported suspension of this treaty. As we've said before, the suspension was legally invalid. और आपको बताते हैं कि पिछले एक साल में रूस अमेरिका के संबंध कैसे खराब हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ये जरा आप सरसरी निगाह में एक एक करके सुनिए जरा। ये पिछले एक साल में 365 दिन में कैसे ये संबंध खराब हुए हैं। रूस ने स्टार्ट संधि को तोड़ा, सबसे पहले यहां नींव पड़ी कि रूस और अमेरिका के संबंध खराब होने शुरू हो गए जैसे ही स्टार्ट संधि को रूस की तरफ से तोड़ा गया। ब्लैक सी में यानी काले सागर में अमेरिकी ड्रोन को जब रूस की सेना ने मार गिराया, उसके बाद अमेरिका की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। युद्ध के बीच में बाइडेन ने यूक्रेन का दौरा कर लिया तो रूस को नागवार गुजरा और रूस ने सीधी दुश्मनी ठान ली। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन बुलाया तो वॉशिंगटन बुलाने के बाद अब फिर ये चीजें तय हो गई कि अब रूस और अमेरिका के बीच चीजें बहुत बेहतर नहीं होने वाली, चाहे बाइडेन का यूक्रेन दौरा हो, चाहे बाइडेन का ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन बुलाया जाना हो। यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार इस युद्ध के दौरान अमेरिका साबित हुआ, और ये मूल वजहों में से एक है कि रूस और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो चुके। अब आपको बताएं कि अमेरिका और रूस सिर्फ पुराने दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं, और दूसरे विश्व के बाद दोनों देश आज एक दूसरे के सामने आकर खड़े हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहे। दोनों देशों की दुश्मनी के इतिहास पर अब जरा एक एक बिंदु आपको बताता हूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका दुश्मन बन चुके थे, जैसे ही सोवियत संघ टूटा दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने की रेस शुरू हो चुकी थी। सोवियत संघ टूटा तो अमेरिका ने इस बारे में लीड ली और अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने की होड़ शुरू हो। रूस बनाम अमेरिका के पक्ष में दुनिया दो अलग अलग धड़ों में बट गई।
1945 से लेकर 1991 तक यानी लगभग 50 साल 5 दशकों तक रूस अमेरिका का यही कोल्ड वॉर चला। 1949 में नेटो के गठन ने दुश्मनी को और ज्यादा बढ़ा दिया, उसको और प्रज्वलित कर दिया। बर्लिन संकट बीच में आया, कोरिया वॉर बीच में आया, क्यूबा संकट बीच में आया। ये तीन वो अहम वाक्य जब दोनों देशों के बीच में भयानक युद्ध की नौबत आ गई। 1991 में सोवियत संघ टूटा, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। 1991 से अमेरिका का पूरी दुनिया में वर्चस्व शुरू हो गया था। ये इतिहास है रूस और अमेरिका की दोस्ती, या कहा जाए दुश्मनी।